बच्चों तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मीनार वाला, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो लगातार ये 15, 18, 20, 21, 23, 24 में पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड वाले। तो इस चैप्टर से हम लोग ऐसे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में, और ये भी देखिए 24, 23, 21, 20, ये लगभग 6-7 साल से ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन 3-4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि आज हम लोग फिनिश कर देंगे वन शॉट में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और खासकर अगर आप कम पढ़ के अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो चलिए करते हैं। देखिए चैप्टर 9 का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे आराम से और इसके बाद बहुत ही आराम से सरल तरीके से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों? तो देखिए भूमि के एक बिंदु से, क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि आधा क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाता है। जो यहां पे आपको पढ़ना है और वही चीज बनाना है, भूमि के एक बिंदु से। अच्छा ठीक है भाई, भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु हमने मान लिया। क्यों? जो मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा ये पाद बिंदु क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो इस बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर ये लाइन खींच दिया हूं तो इसका सबसे निचला वाला पार्ट, बच्चों सबसे निचला वाला जो भाग होगा, जो बिंदु होगा, इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। और इसको बोला जाता है शीर्ष। इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष। तो शीर्ष कहां होगा? सबसे ऊंचे ऊंचे जगह पे, सबसे ऊंचे जगह पे क्या होगा? शीर्ष होगा। और नीचे होता है पाद बिंदु, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि एक भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के इस बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार कुल मिला के ऐसे होगा, जिसके पाद बिंदु, ये क्या हो जाएगा, कौन सा बिंदु होगा? पाद बिंदु होगा। तो इसके पाद बिंदु से ये जो बिंदु है कितने मीटर है? 30 मीटर। बहुत सही, ये हो गया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, समझ गए? अब देखिए मीनार का शिखर, सॉरी शीर्ष बोले या फिर शिखर, यहां पे लिख दीजिए शिखर, क्या है? शिखर। शिखर कहां होता है? सबसे ऊपर। और पाद बिंदु कहां होता है? सबसे नीचे, ठीक है। एक बार और करिए, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर लिख लिया। और अब बोलता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ये है, इसको आप मिला दीजिए, ये ऐसे करके ऐसे मिला दिए, का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये 30 बना दीजिए, बना दिए, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ऊंचाई ज्ञात करना है? इसको मान लेते हैं एच, मान लिया एच, और इनको बच्चों आप लोग नाम दे दीजिए ए बी और सी। अब ध्यान से सुनिए कि क्या कहता है कि ये इसको बदलेगा, हो सकता है कि जब क्वेश्चन बदलेगा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन बदलता क्या है, इधर देखो बदलता क्या है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी के जगह पे वो क्या कर देगा, 40 मीटर, ठीक। और जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है इसको क्या कर देगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे कर देगा, बाकी यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब देखिए कितना आराम से करेंगे ना, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, ये मैं मिटा दिया। अब क्या लिखेंगे,
ये आपका बन गया, चित्र बन गया। अब देखिए आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। अच्छा हल भी लिख दीजिए साथों साथ, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल करते हैं, ये हल लिख दिया। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों दिया है, तो क्या दिया है आप ही बताइए, क्या दिया है? ऐसे लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है क्या कि जो मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु तक की दूरी कितनी दी है? 30 मीटर। दूरी बराबर 30 मीटर, बहुत सही। और इसके बाद क्या दिया है? उन्नयन कोण। क्या दिया है? उन्नयन कोण, बहुत सरल है। उन्नयन कोण क्या लिख दें? 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, आपको मैं बताता हूं कि कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जो मैं कहता हूं वही आप करिए, क्या करेंगे। और एक चीज और लिखिए, माना मीनार की ऊंचाई क्या लिख दें? H है, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो दिया हुआ है इसमें देखिए तीन भुजाएं हैं, और हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। हमेशा आपको यह पहचान लेना है बच्चों कि जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम होता है लंब। उसका नाम क्या होता है? लंब, ठीक है। और जो तिरछी लाइन होती है उसका नाम होता है कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना होता है बच्चों, कि पूछा क्या है, क्या ध्यान रखेंगे? पूछा क्या है और दिया क्या है, ठीक है। इन तीनों भुजाओं में देखिए पूछा क्या है? लंब। और लंब यानी मीनार की ऊंचाई, और दिया क्या है? आधार। पूछा क्या है? लंब। दिया क्या है? आधार। लंब आधार, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिखिए त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिख देंगे। क्या दिया है? क्या पूछा क्या है? लंब। दिया क्या है? आधार। तो इन्हीं दो का हम अनुपात लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जो दिया होता है या दो जो हमें ज्ञात करना होता है। तो चाहे तो आप लंब बटे आधार ले लीजिए, चाहे तो आधार बटे लंब। लेकिन लेना वही है जो दिया होता है 30 मीटर दिया है, पूछा क्या है? एच पूछा है। तो जो पूछा है और जो दिया है, तो चाहे तो इस इतना बटे इतना करिए, चाहे तो इतना बटे इतना करिए। तो हम त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे लंब बटे, क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार बच्चों, ठीक है। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार, ठीक। लंब बटे आधार क्यों लिखा, ये ध्यान से आप समझिए, क्योंकि हम वही लिखते हैं जो पूछा जाता है और जो दिया जाता है। जो दिया जाता है तो पूछा क्या है? लंब, और दिया क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार। अब एक बात बताइए कि मैं बताया था कि बच्चों लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या दिया है बच्चे? ये है 30 डिग्री। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 30 डिग्री। अब लंब क्या दिया है? एच दिया है। आधार क्या दिया है? देखिए आधार है 30। आधार क्या है? 30। और टेन 30 डिग्री का मान बता दो भैया, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3
तीन, इसको मैं थोड़ा सा आगे ही सॉल्व कर देता हूं, एक बटे अंडर रूट तीन, ठीक है। तो अब इस तीस का गुणा इधर कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि बराबर लगा है तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये तीस ऊपर चला जाएगा, तो तीस बटे अंडर रूट तीन। अब ध्यान से समझिए कि नीचे यानी बटे में अंडर रूट नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट का परिमेयीकरण। अभी क्या होता है, अंडर रूट का ऊपर गुणा, अंडर रूट का नीचे गुणा। हालांकि इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है कि हम जानते हैं, देखिए कोई भी आंसर अंडर रूट में नीचे अगर कुछ दिया है तो उसे हटाना होता है, तो ये हो जाएगा तीस बटे अंडर रूट तीन। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट तीन का गुणा ऊपर, अंडर रूट तीन का गुणा नीचे। ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर अंडर रूट तीन है गुणे अंडर रूट तीन है, इसका मान आता है तीन। क्या मान आता है, तीन। अगर अंडर रूट एक्स है गुणे अंडर रूट एक्स है, तो इसका मान क्या आता है, एक्स, ठीक है। तो यहां पर अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तीन, और ऊपर क्या हो जाएगा, तीस, तीस अंडर रूट तीन। क्या हो जाएगा, तीस अंडर रूट तीन हो गया। अब देखिए तीन एक कम और तीन दहम, तीन एक कम तीन दहम, तो यहां पे h ऊंचाई क्या आ गया, दस अंडर रूट तीन मीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बच्चों मजा आया या नहीं मजा आया, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। और अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है, जो वो भी कई बार पूछा जा चुका है, मैं बता देता हूं फिर से कि गिन करके हम लोग तीन क्वेश्चन करेंगे, और 2025 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं इससे आप बिल्कुल उसको कर पाएंगे। और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग चलेंगे, और इसको देखिए 2017 में और 2021 में पूछा गया है। अब अगर 17 और 21 में पूछा गया है, 22, 23, 24 में अगर नहीं पूछा गया है, तो ये 25 में जरूर पूछा जा सकता है, ये 25 में जरूर पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अगर समझ आने से देखिए हमको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, अच्छा ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, मतलब अगर मान लीजिए कि ये अगर मैं भूमि बना दिया ना, ये मान लीजिए कि अगर इस तरह से भूमि बना दिया, ये भूमि है, भूमि मतलब धरती। अब क्या बोल रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई, कहां से, भूमि से, मतलब कुल मिला के ये कुछ ऐसा ही होगा। ये ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर, ये ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर, ठीक है। पतंग उड़ रही है, यानी यहां पे बच्चों एक क्या है, पतंग, पतंग बना दें, पतंग ए, ये 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 से, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग बन गया, दिख रहा है पतंग जैसे, 60 मीटर ऊंचे ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी, अच्छा पतंग अब ऐसे तो उड़ेगी नहीं, ठीक है ना, पतंग तो ऐसे तिरछी उड़ती है ना, यहां से कोई उड़ा रहा होगा कि पतंग ऐसे सीधे जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। तो डोरी अस्थाई रूप से बिंदु के भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी बांधा होगा कुल मिला के ये ऐसे करके, यहां से बांध दिया गया है किसको, इस पतंग को, ये पतंग ऐसे उड़ेगी, अब ये पतंग ऐसे उड़ रही है, इस पतंग से यहां की जो ऊंचाई है कितनी है, 60 मीटर, बहुत सही, ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, देखिए ये भूमि है, इसका जो झुकाव है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये ऐसे बना दीजिए और इसको मिला भी दीजिए, अब ये मिला दिया, ठीक, ये मिला दिया इस तरह से, नाम दे दें ए बी सी, बहुत सही, ठीक है, 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अच्छा ढील मतलब समझ रहे हैं ना, ढील मतलब मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ढील नहीं है, सीधा एकदम टाइट है,
डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, एक बात बताइए कि अभी मैं बताया हूं कि थीटा के सामने कौन सी भुजा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तिरछी लाइन क्या होती है, कर्ण, और ये आपका आधार हो जाएगा। बहुत सही। अब देखिए, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, डोरी की लंबाई क्या होगी, क्या ये होगी, नहीं। क्या ये होगी, नहीं। ये होगी, ये ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, क्योंकि यहां से ऐसे करके उड़ रहा है। तो डोरी की लंबाई अगर ज्ञात करनी है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, लंब आधार की कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। अभी क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे ऐसे। ठीक है, दिया क्या है, लिख दीजिए, दिया है, दिया है, आप ऐसे भी लिख दीजिए कि दिया है ए बी बराबर कितना, 60 मीटर, और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन बोलिए, उन्नयन कोण, ये दिया है बच्चों 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री दे दिया। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अभी मैं बताया हूं कि क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब कि क्या ज्ञात करना है, कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दिया क्या है, लंब। दिया क्या है, लंब। तो अभी मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया हूं कि आपको लिखना कैसे है, जो दिया है और जो पूछा गया है, जो दिया गया है और जो पूछा गया है। तो दिया क्या गया है, ए बी लंब, और पूछा क्या गया है, कर्ण, यानी डोरी की लंबाई। तो हम इनका अनुपात लेंगे। अब यहां पे हो सकता है कि आप बोलें कि मैं लंब को ऊपर रखूं या कर्ण को, तो आप किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम, मैं रखना चाहता हूं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्यों रख रहा हूं, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है और साइन थीटा हमें पता है, और अगर कर्ण बटे लंब यहां पे करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक। तो लिखिए त्रिभुज, 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 या फिर थोड़ा सा ये भी लिख दीजिए समकोण, समकोण त्रिभुज, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे सारे त्रिभुज कैसे होते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, लंब बटे, लंब बटे कर्ण। ध्यान से एकदम आराम से प्यार से समझिए, पूरा समझ में आएगा। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब यहां से फिर देख लीजिए ना, लाल बटे कक्का, तो ये क्या होता है, साइन थीटा, और ये दूसरा वाला कॉस थीटा, और ये क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, कितना डिग्री दिया है, 60, तो रख दीजिए 60, रख दिया। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, लंब बटे कर्ण बराबर साइन 60 डिग्री। अब देखिए, आप देखिए लंब कितना दिया हुआ है, लंब यानी ए बी कितना दिया है, 60 डिग्री बटे। अगर एक स्टेप और भी अगर आप लिखना चाहेंगे ना तो लिख दीजिएगा, हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लंब क्या है, ऐसे लिख दीजिए कि भैया ए बी, लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी बराबर, बराबर साइन 60 डिग्री का मान बताइए क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, ये चिन्ह भी लगाते जाएंगे। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी, ए बी कितना दिया है, 60, और ए सी तो हमें निकालना ही है, ए सी तो हमें निकालना ही है, अंडर रूट 3/2। अब जब भी देखिए बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। तो इसको यहां ले चलते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, और जब ये ले जाएंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए ना, इसका गुणा इधर होगा 60 × 2, और इसका गुणा इसके साथ, तो अंडर रूट 3 और ए सी। अब अंडर रूट देखिए, इसमें मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, तो ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर कितना आ गया, 60 × 120
अंडर रूट तीन। अब फिर से अगर अंडर रूट तीन आ गया है नीचे, तो हम नीचे रहने देंगे इसको नहीं, नहीं रहने देंगे, तो हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, एसी बराबर यानी कर्ण बराबर हमको 120 बटे अंडर रूट तीन, तो यहां लिख दीजिए एसी बराबर 120 बटे अंडर रूट तीन है ना, तो 120 बटे अंडर रूट तीन गुणे, फिर से अंडर रूट तीन ऊपर और अंडर रूट तीन नीचे, ये तो हम कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, इसी को हम परिमेयीकरण भी कह देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि 120 गुणे अंडर रूट तीन और बटे का एसी, और बटे का कितना, अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन, अभी बताया हूं तीन होता है। अब देखिए तीन तीन चौक बारह, तो ये कितना हो जाएगा एसी, एसी कितना हो जाएगा तीन एकम तीन चौक, तो ये क्या 40 नहीं आएगा, अंडर रूट तीन। तो अब देखिए एसी बराबर कितना आ गया, 40 अंडर रूट तीन, अतः आप लिख देंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई, यही आंसर है, पतंग की डोरी, और हम लिख सकते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना है, 40 अंडर रूट तीन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, और बिल्कुल आप घबराएं नहीं, और कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि और आपको क्लास टेंथ में कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वन शॉट इसी प्रकार मैं एमपी बोर्ड के लिए कंटिन्यू लेके आ रहा हूं हर सब्जेक्ट का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये होगा लास्ट, क्योंकि अभी 4 से 5 साल के पेपर को जब उठा के आप देखेंगे, एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तीन क्वेश्चन, यहां पे लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7 है, ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है जो लिखा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा फिर से भूमि, भूमि मतलब भैया भुइया या फिर धरती, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या है, भूमि के एक बिंदु 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर, ठीक है, ओके, ध्यान से समझिए, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा भूमि का एक बिंदु है यहां पे, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे बिंदु से, यहां पे, यहां से एक 20 मीटर ऊंचे, इसको और थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, यहां पे भूमि का एक बिंदु है, इससे एक 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर हो गया, मान लीजिए इसको कितना दे दिया, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ऊपर वाला, ये आपका शिखर हो जाएगा और ये पाद बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि भूमि के एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, अच्छा इस बिंदु से ये जो 20 मीटर ऊंचा है भवन के शिखर पर यहां लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार मतलब, ठीक है, टावर, तो ये संचार मीनार हो गया भैया जी, ठीक है, संचार मीनार के तल ये है ना, संचार मीनार का तल कौन सा है, ये होगा, ठीक है, ये, और शिखर के उन्नयन कोण, यहां से भी उन्नयन कोण और यहां से भी उन्नयन कोण, तो ये इस बिंदु से मिलेगा ऐसे, मिल गया, और ये मिल जाएगा आपका ऐसे, ये मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप सीधा बनाएंगे ना स्केल से, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, पहले इसको खींचा ना, पहले इसको खींचा, एक बना देते हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाना है, कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाना है ऐसे, तो देखिए 45 डिग्री कम है, तो 45 डिग्री कौन सा होगा, ये होगा कि ऊपर वाला,
नीचे ये लिख दीजिए 45 डिग्री लिख दिया और ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी ऊंचाई मीनार की, मतलब आपको ये एच ज्ञात करना है ये मीनार की ऊंचाई। ये तो क्या है, ये तो भवन है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो इस एच को मीनार की ऊंचाई मतलब यही ज्ञात करना है, एच इस मीनार की ऊंचाई। नामकरण करिए ए बी सी और डी कर दिया। अब ध्यान से देखिए हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम लोग दिया है ठीक है ना, हल दिया है क्या बच्चों, दिया है बोलत जा, दिया है भगवान भवन, भवन ओके भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई एकदम लिखना है, भवन की ऊंचाई आराम से कितना देवा 20 मीटर, भवन की ऊंचाई ऊंचाई ठीक है बराबर 20 मीटर 20 मीटर और क्या दिया है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना कितना देवा 45 डिग्री और 60 डिग्री। तब फिर से त्रिभुज में ना, अब ध्यान से देखिए एक चीज आप समझिएगा यहां पे बच्चों, क्योंकि जब दो कोण वाला होता है तो हमें यही नहीं पता होता है हम क्या करें, लंब किसको माने किसको आधार माने है? एक बात समझिए कि यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज ए सी बी बन रहा है, तो एक बार ए सी बी में लंब वटे कर्ण जो भी अभी मैं बता रहा हूं, और एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज मैं बना दूं, बना दूं देखिए बनाता हूं ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज बना दिया यहां पे, ये बना दिया आपको आसानी होगी समझने में, और ये इधर से ऐसे छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या है ए बी सी और बड़ा वाला डी बी सी यही है ना। अब देखिए दोनों में क्या है ये आधार, दोनों के लिए क्या है ये बहुत ही धांसु कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझना कि ये बीसी है इधर भी बीसी है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी आधार क्या है बीसी और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है बीसी। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो आप लंब वटे आधार जब अनुपात लेंगे तो दोनों में आधार आना चाहिए, दोनों में आधार आना चाहिए ठीक है, दोनों में आधार आना चाहिए ठीक है ना। ठीक, तो त्रिभुज 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 ए बी सी में समकोण कौन लिखेगा, समकोण समकोण लिख दीजिए, समकोण लिखा जाता है ना नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिए ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कहां है ए बी सी भाई, ये है जो दिया है ठीक है। अब देखिए पूछा तो इसको है, ध्यान से समझिए, जब दो कोण वाला आता है क्या, जब दो कोण वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है और प्लस जो जिस, ध्यान से समझिए क्या करना है, जो दिया है ठीक है और जिसमें आधार दोनों का सेम है, तो ये जो चीज सेम है जैसे यहां पे दिया है तो आधार ले लेंगे, आधार क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट है इसको हल करने का ठीक है ना। आधार से मैं क्या बता रहा हूं कि अगर जब भी दो त्रिभुज बनेगा, जब भी दो त्रिभुज बनेगा तो उसमें देखिएगा कि लंब दोनों में सेम है क्या, तो लंब को आपको लेना है, आप देखेंगे कि आधार दोनों में सेम है क्या, तो आधार को लेना है, तो इसमें कौन सा सेम है आधार, तो आधार फिक्स हो गया कि एक आधार तो रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, जो दिया है या फिर जो पूछा है, नहीं समझ में आया ठीक। तो एबीसी में क्या दिया है, क्या दिया है लंब 20 मीटर, हाँ ए बी लंब, लंब बटे आधार,
आधार, अच्छा लंब क्यों लिया, क्योंकि भैया लंब दे रखा है। आधार क्यों लिया, क्योंकि आधार इसमें भी सेम है, छोटे वाले के लिए भी सेम और बड़े वाले के लिए सेम, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, तो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार, देखिए लाल बटे कक्का से तुरंत निकाल लीजिए, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन कितना लिखेंगे, टेन भैया अरे टेन कितना, इधर देखो ये टेन कितना डिग्री, 45 ना, 45 डिग्री, ठीक है टेन 45 डिग्री। लंब कितना दिया है 20, आधार कितना दिया है, आधार दिया ही नहीं है, ठीक है आधार दिया नहीं है। टेन 45 एक, टेन 45 एक, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये आधार का गुणा इधर कीजिए, आधार का गुणा एक के साथ कितना हो जाएगा 20, तो इसी साइड रहेगा, उधर क्या हो जाएगा आधार, कितना हो जाएगा आधार, तो आधार हमें कितना मिल गया 20, आधार कितना मिल गया 20 मीटर, कितना मिल गया बच्चे 20 मीटर मिल गया। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज त्रिभुज पुनः पुनः त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में क्या करेंगे, डी बी सी में देखिए डी बी सी में लंब क्या है, अब बताइए भैया, देखिए ये तो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला कौन सा होगा, ये थीटा, ये 60 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला कौन सा होगा, ये लंब होगा, लंब, तो लंब कितना है डी बी, डी बी मतलब यहां से लेकर के यहां तक, क्या मैं पूरी लंब को एच इतना दूरी प्लस इतना दूरी लिख दूं, प्लस 20 लिख दिया जाए, तो अभी लंब कितना हो गया एच प्लस 20, हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण बराबर बराबर लंब बटे, सॉरी कर्ण कहां से आ गया यार, लंब बटे आधार, फिर से लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार। अब देखिए फिर से मैं बताऊंगा यहां पे कि लंब बटे आधार क्यों लिया, क्योंकि आधार दोनों में सेम था, आधार दोनों में सेम था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लंब दोनों में अगर सेम हो तो लंब को लेना ही है, आधार अगर दोनों में सेम हो तो आधार को लेना ही है, और बचाए एक अब, तो एक अब जब बचा तो जो पूछा है या तो उसको ले लीजिए, जो दिया है या तो उसको ले लीजिए, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बच्चे एच प्लस 20 बटे आधार कितना है 20 मीटर, आधार हमने निकाल रखा है 20 मीटर, ठीक है तो लंब बटे आधार, अरे यार इसको ऐसे करो ना, लंब बटे आधार क्या होता है 10, 10 कितना लिख दूं 60 डिग्री, 10 कितना लिख दूं 60 डिग्री लिख दे, ठीक है अब लंब कितना दिया है एच प्लस 20 बटे आधार कितना दिया है 20, 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, 60 डिग्री का मान कितना होता है 3, अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, प्यार से गुणा कीजिए, h प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 20, 20 अंडर रूट 3, ये ऐसे 20 अंडर रूट 3 नहीं हो जाएगा, अब h हमको निकालना है ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो इधर प्लस में है माइनस 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर दें, h बराबर कितना लिख दूं, h बराबर कितना लिखा जाएगा 20 और 20 कॉमन है क्या, 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लीजिए अंडर रूट 3 माइनस 1, देखिए यहां से 20 निकल जाएगा तो यहां क्या बचा अंडर रूट 3, यहां से 20 निकल जाएगा तो यहां कुछ नहीं बचेगा मतलब 1, तो ये आपका हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 आंसर, क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 किसका आंसर हो गया, मीनार की, लिख दीजिए, अतः बच्चे मीनार मीनार संचार की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर होता है खत्म और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वन शॉट। अगर आप वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं वादा करता हूं कि इसी प्रकार से कंटिन्यू, आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बहुत एकदम इंटेलिजेंट 95, 96, 97 लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूरी किताब पढ़िए, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मेरे दोस्त हों जो कि कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। और मुश्किल से एक चैप्टर से अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे या 5 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग सेम टू सेम कक्षा 10वीं में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं करवाता रहूँगा, एक बार और से आप देख लीजिए और कमेंट करके प्लीज बताइए वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।